मित्रों, बहनों, भाइयों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, अहमदाबाद, गुजरात। आज आपको ऐसा मैं विधि बताऊंगा, ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिसमें सगाई के मैरिज की उम्र होते हुए भी आपके संतान के रिश्ते क्यों नहीं होते हैं? आपकी संतान यानी आपका लड़का पढ़ा लिखा अच्छा जॉब कर रहा है तो रिश्ते क्यों नहीं आते हैं? आपका लड़का कोई गलत लाइन पे नहीं है, सगाई क्यों नहीं होती है? उम्र होगी 25 साल, 28 साल, 30 साल तो भी सगाई विवाह क्यों नहीं होता है? आपको टेंशन हो जाता है, क्या करे क्या नहीं करे। दूसरे की आजू बाजू पड़ोस में जिसकी लड़की की उम्र 22 साल है, 25 साल है, 23 साल है, उसकी जल्दी से सगाई हो गई, मैरिज हो गई, पर आपका बच्चा जो 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, उसके अभी तक सगाई नहीं हुई तो बहुत टेंशन हो जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको माता जी का एक सीख किया हुआ एक प्रयोग बताऊंगा, वो आप प्रयोग करोगे मैं गारंटी देता हूँ रिश्ता सामने से आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सामने से रिश्ता आएगा, लड़की पसंद आएगी और लड़की सुशील संस्कारिक मिलेगी। कोई भी सगाई होने के बाद में कोई सगाई तोड़ा नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। पर आपको सच्चे मन से, शुद्ध भावना से, एकाग्र मन से ये प्रयोग करोगे तो 100% आप सफल रहोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठा रिश्ता होगा। माताली के सामने, अग्नि के सामने मैं आपको दावा करता हूँ, जो मैं प्रयोग बताऊंगा 100% आप कीजिए, 11 दिन के अंदर अंदर घर बैठा रिश्ता होगा, घर बैठे सगाई होंगे और जल्दी से जल्दी शादी की तारीख पक्की हो जाएगी। शादी की तारीख पक्की होने के बाद में भी अगर आपका दुश्मन जलते हैं तो जलने दो, वो आपका सगाई मैरिज को नहीं रुका सकता, ये मेरा चैलेंज है। आपको क्या करना है, जिसकी सगाई नहीं होती है उसकी उम्र हो गई है 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, उसके हाथों से एक ऐसा धागा लेना है लाल कलर का जिसको मोली या नाड़ा छड़ी बोलते हैं, धागा लेके अग्निदेव की साक्षी में एक जोत करना, आपको अपने कुल देव को जिसको भी मानते हो, जोत करने के बाद में इसको धागे को 21 बार अपने कुल देव को, जैसे मैं माँ काली को मानता हूँ तो माँ काली का नाम लेके इस धागे को 21 बार अग्नि के ऊपर उतार देना है। उतारने के बाद में 7 गांठे लगानी है इस धागे पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इस धागे के 7 गांठे लगानी है। गांठे लगाने के बाद भी जब आप सोते हो जिसकी सगाई नहीं होती है तो अपने ऊपर 5 बार उतार लेना चाहिए। 5 बार उतारने के बाद में अपने बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए और फिर आप आराम से सो जाना चाहिए, आराम से नींद लेना चाहिए। ऐसे आप 5 दिन ये धागा का प्रयोग करना है, सोते समय अपने ऊपर 21 बार उतार के बिस्तर के नीचे रख देना और सो जाना है। ये आप 5 दिन या 7 दिन करोगे, मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आपकी सगाई कोई रोक नहीं सकता है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, रिश्ते सामने से आएंगे, लड़की आपको पसंद आएगी, सुशील संस्कारिक लड़की मिलेगी और आप बधे दोगे, पंडित जी मेरे घर बैठे सगाई हो गई है और मैरिज की तारीख पक्की हो गई है, ये मेरा दावा है। नमस्कार।